खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं कीमा मटर। तो ये हमने आधा किलो कीमा ले लिया है, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये दो मीडियम साइज की प्याज है, इसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है। ये एक मीडियम साइज का टमाटर, इसको भी हमने फाइनली चॉप कर लिया है। ये 200 ग्राम मटर है, ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, और जो भी मसाले डालेंगे वो आगे हम आपको मेंशन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुकर को हमने गैस पे रख दिया है। अब इसमें हमें 100 ml के करीब सरसों का तेल ऐड कर देना है। हम इसे सरसों के तेल में बनाएंगे, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। अब इसमें हमें ये कुछ मसाले ऐड कर देना है। ये 1 चम्मच जीरा है, 4 से 5 लौंग है, 1 स्टार है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची है। इन सभी मसालों को हमें इसमें ऐड कर देना है। इसे हमें अच्छे से तड़क जाने देना है ताकि इन मसालों की खुशबू तेल में अब्सॉर्ब हो जाए। इसी के साथ हमें ये प्याज ऐड कर देना है। प्याज को हमें लाइट ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसे लाइट ब्राउन करना है हमें प्याज को। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हमें ये कीमा ऐड कर देना है। कीमे में हमने थोड़ा सा फैट मिक्स करवाया है फ्रेंड्स, जब तक कीमे का कलर नहीं चेंज हो जाता हमें इसमें भून लेना है कीमे को। देखिए फ्रेंड्स, कीमे का कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसी के साथ 1 चम्मच हमें नमक ऐड कर देना है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। अब अदरक लहसुन को हमें कीमे में अच्छे से भून लेना है ताकि अदरक का कच्चापन भी दूर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अदरक लहसुन भी अच्छे से भून चुका है, तेल भी पूरा सेपरेट हो गया है इसमें। अब इसमें हमें ये टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर को हमें मिक्स कर लेना है कीमे में। अब इसमें हमें कुछ मसाले ऐड कर देने हैं। 1/2 चम्मच हमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है, 1 चम्मच हमें धनिया पाउडर ऐड कर देना है, 1 चम्मच हमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देना है इसी में, 1/2 चम्मच इसमें हमें जीरे का पाउडर ऐड कर देना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप लोग जरूर ऐड करिएगा। अगर जिन्हें नहीं पसंद है वो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। अब इन सभी मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हमें ढक्कन रख के 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर मसालों को अच्छे से भून लेना है। हमें सीटी नहीं लगाना है, सिर्फ हमें ढक्कन ढक के ही मसाले को भूनना है 4 से 5 मिनट। तो चलिए चेक कर लेंगे हम। अपना मसाला अच्छे से भून चुका है, तेल भी सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हमें ये मटर ऐड कर देना है, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, क्योंकि हमें मटर को गलाना है, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से पानी डालिएगा। अब इसमें हमें 1 चम्मच मीट मसाला ऐड कर देना है। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, पर इसमें हम मीट मसाला ऐड कर रहे हैं। मीट मसाला डालने से कीमे का टेस्ट और अच्छा लगता है फ्रेंड, तो आप लोग जरूर मीट मसाला ऐड करिए इसमें। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। अब इसमें हमें ढक्कन लगा देना है और हाई फ्लेम पर हमें 1 सीटी ले लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर 1 सीटी आ चुकी है, हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और प्रेशर रिलीज होने का वेट कर लेंगे। कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है, चलिए हम चेक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कीमा मटर बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं ये थोड़ी सी हरा धनिया ऐड कर देना है, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। और चलिए हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए गर्मा गर्म मसालेदार कीमा मटर बनकर रेडी हो चुका है। तो इस विंटर आप लोग जरूर ट्राई करिएगा कीमा मटर, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने आपको बनाना बताया है। खाने में इसका टेस्ट तो औसम है फ्रेंड, तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। तो देखिए फ्रेंड, तरी वाला मटर कीमा मटर बनकर रेडी हो चुका है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा मेरे मेथड से। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने आपको ये बताई है रेसिपी। आपको जरा भी ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।